मेरा भारत सदियों से विश्व गुरु है, विश्व गुरु के हर पटल पर आगे बढ़ रही है। आओ मिलकर देश को और मजबूत बनाएं, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाएं। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। सभी देशवासियों कि माँ बहन बेटियों से खास अपील है कि यदि आप किसी व्यक्ति से दोस्ती कर रही हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करनी चाहिए। सिर्फ अपने सहेलियों से ही बात करें। किसी भी अनजान या अन्य व्यक्ति से दोस्ती करना बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। जिस तरह से आए दिन आप देख रहे हैं देश में कौन कौन से जिहाद चल रहा है, हम सभी को या माँ बहन बेटियों को हमेशा सावधान रहना चाहिए। देश की बहन बेटियां अपने माँ बाप की हर बात माननी चाहिए, किसी भी तरह से गुस्सा नहीं करनी चाहिए। माँ बाप भी एक तरह के दोस्त और दोस्ती के लायक हैं। माँ बाप का हर बात माननी चाहिए। माँ बाप ही हमेशा सुख दुख में आपके साथी हैं और आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, तो हर बात मानना आपका भी कर्तव्य है और वह आपको हमेशा सही मार्ग पर ले चलने के लिए ही आपको सही बताएंगे। यह हम सभी को अपने ज्ञान वर्धक के तौर पर कार्य करनी चाहिए और माँ बाप का हर बात माननी चाहिए। या लड़का हो या लड़की हो, माँ बाप का सहारा हमेशा लेनी चाहिए, बातचीत हमेशा करते रहना चाहिए। माँ बाप से बढ़कर जीवन में कोई नहीं है और हम सभी को यह सबसे बड़ा कर्तव्य है कि बहन बेटियों को कोई भी कदम उठाने से पहले अपने घर में ज़रूर से ज़रूर आप वार्तालाप करना चाहिए। जैसे कि माँ बहन और माँ पिता भाई बहन या कोई भी है समाज में जो जिम्मेदार है उसका हर बात माननी चाहिए। किसी भी तरह से आप अन्य कार्य न करें जो समाज को घर परिवार को आघात पहुंचाए और माँ बाप का हर सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। जो बहन बेटियां माँ बाप से सलाह नहीं लेती हैं, मन मर्जी से कार्य करती हैं, वह जीवन में खुशहाल भी नहीं रह सकती हैं। सबसे पहले अच्छा कार्य यही है कि आप माँ बाप घर परिवार भाई से रिश्ता से सभी से समाज से बात करें, सलाह लें और किसी भी तरह से कार्य करने से आपकी जीवन उद्धार होगी। तो जीवन में खुश रहना है तो माँ बाप का सहारा और लेना ही चाहिए और माँ बाप से बढ़कर जीवन में कोई नहीं है। और कोई भी शादी विवाह अपने मर्जी से कोई भी बहन बेटियां को नहीं करनी चाहिए। जब तक माँ बाप अपनी मर्जी से शादी विवाह समाज में रिश्ता ना जोड़ दें तब तक जो है कोई अन्य समाज से जो है दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए। यह समाज का भरोसा है और सभी का सहारा लेना चाहिए। घर परिवार माँ बाप भाई बहन चाचा ताऊ और दादा कोई भी है जो समाज में आपका भला कर सके उसे हमेशा हर मुद्दे पर जो है वार्तालाप करनी चाहिए। तो ये है हम सभी का सुरक्षा और वह सुरक्षा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। फिर हम आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।